सिरसा के गांव देसू जोधा में नशा तस्करी को लेकर की गई छापेमारी में तस्करों और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस और तस्करों के बीच हुई इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी समेत दो की मौत हो गई। फायरिंग दोनों तरफ से की गई थी, इसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए डबवाली और भटिंडा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झड़प के दौरान आरोपियों ने महिलाओं समेत मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिसकर्मी को घसीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि लगभग 3 महीने पहले CIA भटिंडा ने कुछ नशीली दवाइयां बरामद की थी, जिसमें गांव देसू जोधा के कुलविंदर समेत 5 अन्य लोगों का नाम भी शामिल था। इसमें एक महिला भी है। एक्चुअली हमारे एक FIR दर्ज की रमा पुलिस स्टेशन में 228 नंबर, और उसमें 6000 रुपये की गोली पकड़ी गई थी और जो 7 तारीख का पर्चा दर्ज था। और उसके बाद ये जो लड़का नया नॉमिनेट किया गया था वो रहने का था और सिरपुरा जो गांव है उसका रहने वाला था, लेकिन हमारी जो पुलिस पार्टी के पास जो पकड़ा गया लड़का था उसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि वो पंजाब में मॉर्निंग के टाइम आता है, तो वहाँ पर अगर कुछ नाका वगैरह लगा के चेक किया जाए तो वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पंजाब में आता जाता है। तो हमारी पुलिस पार्टी पंजाब के बॉर्डर के तरफ जाके वहाँ हमारे एरिए में नाका लगाया था, वहाँ पर जाके जब उस लड़के ने पुलिस पार्टी को देख लिया तो वो हरियाणा की तरफ भाग लिया, तो हमारी पुलिस पार्टी ने पीछे लगी, उसकी वजह से वो हरियाणा में वो गांव में चला गया और उस जिस जगह में वो गया था वो उसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया और हमारी पुलिस पार्टी पर अटैक कर दिया, देखिए वेपन वगैरह खोज लिए सभी मिल के और काफ़ी इंजरी वगैरह काफ़ी है उनकी, और पुलिस फाइल भी खोज ली, मोबाइल भी खोज लिया, तो उनके एक जो वेपन खोज लिए उन्होंने लोड करके फायर कर दिया और एक हमारे पुलिस मुलाजिम के लगा भी इंजर्ड है वो, और वो रेफर किया गया अपने, बाकी जो दूसरे मुलाजिम वो भी सारे इंजर्ड। सर कितने? वहीं इस गोलीबारी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसको लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आज की जो एक घटना हुई है देसू जोधा गांव के अंदर कि नशा बेचने वाले के घर पे जब पुलिस ने रेड मारी तो नशा तस्करों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और वहीं एक पुलिस के जवान को मौत के घाट उतार दिया, और पुलिस ने जब सामने से फायरिंग करी तो एक मरा। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, जितने लोग थे उन सबको मौत के घाट उतारना चाहिए था, और जो नशा बेचने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। सरकार ने तो नशा बेचने वालों को टिकटें दी है, लेकिन पुलिस की एक जिम्मेवारी बनती है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी हो अगर नशे का धंधा करने वाला है तो उसके ऊपर तुरंत लगाम डाले, तुरंत उसको पकड़े, गिरफ्तार करे, अंदर दे। अब पुलिस को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि सरकार किसकी है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, अब पुलिस की प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारियां हैं ना कि सरकार की। गांव देसू जोधा की घटना ने ये दिखा दिया है कि प्रदेश में तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। न्यूज़ डेस्क।